दोस्तों, क्या आपके बजरी तोते भी मैटिंग नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है और आपके यहाँ पर ब्रीड नहीं हो रही है? देखिए दोस्तों, बजरी तोते ऐसे बर्ड होते हैं जो सभी जगह पर बहुत आसानी से और बहुत अच्छी ब्रीड करते हैं, लेकिन अगर हमारे बजरी तोते मैटिंग नहीं कर रहे हैं तो उसके पीछे कुछ रीज़न्स होते हैं, वजूहात होती हैं। दोस्तों, हम लोग जो हैं कुछ मिस्टेक्स करते हैं और लगातार उनको रिपीट करते चले जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पर ना तो मैटिंग होती है और ना ही हमारे बर्ड्स ब्रीड करते हैं। देखिए दोस्तों, बर्ड्स की ब्रीडिंग से रिलेटेड कॉमन जो प्रॉब्लम होती है, जो ज़्यादातर भाइयों को फेस करनी पड़ती है, वो यही होती है कि उनके बर्ड मैटिंग नहीं कर रहे होते हैं। काफ़ी ज़्यादा भाइयों के कमेंट इसी बात को लेकर आते हैं कि भाई, हमारी फ़ीमेल मैटिंग के लिए रेडी नहीं है, मेल मैटिंग नहीं करना चाहता, कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं बर्ड मैटिंग से रिलेटेड। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बड़ी मिस्टेक्स बताऊँगा जो आप कर रहे हैं और लगातार रिपीट करते चले जाते हैं, जिसकी वजह से आपके यहाँ पर ब्रीड नहीं हो पा रही है, मैटिंग नहीं हो पा रही है। तो वीडियो को पूरा देखें दोस्तों, पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा जो जो रीजंस मैं बताऊंगा, मिस्टेक्स बताऊंगा जो आप कर रहे हैं, उसको आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेंगे और 10 से 15 दिन के अंदर आपके बजीस पैरेट मैटिंग करना स्टार्ट कर देंगे और आपके यहाँ पर ब्रीड भी होगी। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, वीडियो को पूरा देखें। और जो भाई हमारे चैनल पेट्स विद फातिमा से नए जुड़े हैं तो भाई प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो करते हैं हम लोग स्टार्ट। देखिए दोस्तों, बजीस पैरेट मैटिंग नहीं करते हैं तो उसके पीछे जो सबसे बड़ी जो रीज़न होती है वो ये होती है कि हमारी जो फीमेल है वो ब्रीड के लिए, मैटिंग के लिए रेडी ही नहीं हो रही है, जिसकी वजह से मैटिंग ही नहीं हो पा रही है, ब्रीड ही नहीं हो पा रही है। तो फीमेल जो है मैटिंग और ब्रीड के लिए रेडी क्यों नहीं है, उसके पीछे कुछ रीज़न्स हैं। देखिए, पहला रीज़न ये होता है कि हमने जो फीमेल के साथ मेल लगाया, हमने यहीं एक मिस्टेक कर दी कि हमने जो है फुली एडल्ट जो पहले ब्रीड कर चुका मेल है, ऐसा मेल नहीं लगाया, जिसकी वजह से फीमेल उसको पसंद ही नहीं कर रही है, उसको मारकर भगाती है। देखिए, जो फुली एडल्ट मेल होता है, जो पहले ब्रीड कर चुका होता है, उसको पूरी तरह से तजर्बा होता है कि फ़ीमेल को किस तरह से मटकी की तरफ लेकर जाना है, किस तरह से प्रॉपर मैटिंग करते हैं और फीमेल को किस तरह से ब्रीड के लिए रेडी करना है। तो आप इस मिस्टेक को जो है चेंज करें। आपका अगर मेल सेमी एडल्ट या फीमेल से छोटी एज का है तो उसको चेंज करना होगा, आपको ऐसा मेल रखें जो पहले ब्रीड कर चुका है। अब दोस्तों, दूसरा रीज़न ये होता है फीमेल के ब्रीड के लिए तैयार ना होने का, मैटिंग के लिए तैयार ना होने का, कि मटकी। देखिए, मटकी काफ़ी भाई ये भी मिस्टेक कर देते हैं कि मटकी नहीं लगाते हैं और पहले ही उम्मीद करते हैं कि मैटिंग स्टार्ट हो जाए। देखिए, बिना मटकी के मैटिंग नहीं होने वाली है। अब दूसरी बात यह है कि मटकी भी लगाई और मटकी हमने इस तरह से नहीं लगाई जो उसका सही तरीका है। सही तरीका यह है कि मटकी का हमेशा ढक्कन लगा होना चाहिए, मटकी में एक सामने से होल होना चाहिए, मटकी मजबूती से बंधी होनी चाहिए, मटकी बड़े साइज़ की होनी चाहिए, मटकी पेयर जितने हैं उससे ज़्यादा होनी चाहिए, यानी एक पेयर है तो 2 से 3 मटकियाँ होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें करने से फीमेल मटकी को जल्दी सिलेक्ट करती है और उसके बाद वो मैटिंग के लिए रेडी भी हो जाती है। अब दोस्तों, तीसरी जो मिस्टेक होती है वो ये होती है कि दाना पानी की हम लोग जो है कमी रखते हैं, जिसकी वजह से हमारे बर्ड जो हैं, हमारी फ़ीमेल रेडी नहीं होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप दाना पानी नहीं देना चाहते। देखिए, सभी लोगों की बिज़ी लाइफ है, आप लोगों को भी बर्ड्स के अलावा काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारियां होती हैं, जिसकी वजह से कुछ भाई ऐसे होते हैं जो भूल जाते हैं, टाइम पर दाना पानी नहीं रख पाते हैं, जिसकी वजह से बर्ड्स को काफ़ी टाइम तक भूखा प्यासा रहना पड़ सकता है। इसकी वजह से फ़ीमेल को ये लगता है कि दाना पानी की यहाँ कमी है और मेरे बच्चों को भी यहाँ प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो मैटिंग और ब्रीड के लिए रेडी नहीं होती है। अब दोस्तों, इसका एक चौथा रीज़न भी होता है फीमेल का रेडी ना होने का, वो ये होता है कि केज के अंदर कुछ और बर्ड्स होते हैं जो फीमेल को लगातार डिस्टर्ब करते रहते हैं। जो फीमेल तैयार भी हो रही है मैटिंग के लिए, ब्रीड करना चाहती है, लेकिन दूसरे बर्ड्स उसको परेशान कर रहे हैं लगातार। तो ऐसे बर्ड्स को आप अलग केज के अंदर रखें और इस फीमेल के साथ उस मेल को रखें जिससे उससे पेयर लग चुका है, उसके बाद देखिएगा बहुत जल्दी फ़ीमेल आपकी तैयार हो जाएगी मैटिंग के लिए और ब्रीड के लिए भी। अब दोस्तों, बात करते हैं दूसरे बड़ी मिस्टेक की, जिसकी वजह से जो है हमारे बर्ड मैटिंग ही नहीं करते हैं।
देखिए दूसरी बड़ी मिस्टेक ये है कि हम लोग बर्ड लेकर आते हैं, केज के अंदर रिलीज़ करते हैं, उम्मीद करते हैं कि कुछ दिन बाद हमारे बर्ड मैटिंग करना स्टार्ट कर देंगे, लेकिन हम उनकी एज कंफर्म नहीं करते हैं। देखिए जब तक बर्ड्स की ब्रीडिंग की एज नहीं होगी तब तक वो मैटिंग नहीं करेंगे। तो ब्रीडिंग की एज होती है 4 से 5 मंथ, बजरी तोते 4 से 5 मंथ के जब हो जाते हैं उसके बाद ही वो मैटिंग करते हैं। तो आप पहले अपने बर्ड्स की एज कंफर्म करें, अगर आपको कंफर्म नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें तो मैं आपको बताऊँगा आपके बर्ड्स की एज कितनी है। और आपके बर्ड्स की जब 4 से 5 मंथ की एज हो जाए तभी वो मैटिंग करेंगे। सेमी एडल्ट बर्ड जो होते हैं, पट्ठे जो होते हैं, एक दूसरे को दाना तो खिलाते हैं और एक दूसरे के सिर में भी खुजाते हैं, लेकिन कुछ भाई इससे धोखा खा जाते हैं। वो सोचते हैं पेयर लग चुका है लेकिन मैटिंग नहीं हो रही है, जबकि पेयर नहीं लगा होता है, केवल वो एक दूसरे के पास जो है अपना टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं और वो कोई ब्रीडिंग से रिलेटेड एक्टिविटी नहीं होती है। अब दोस्तों थर्ड जो रीज़न होता है, जो थर्ड मिस्टेक हमारी होती है वो ये होती है कि हमने बर्ड्स केज के अंदर रिलीज़ किए, बस कलर देखकर मार्केट से पसंद करके ले आए और हमने ना तो मेल फीमेल कंफर्म किया और ना ही बर्ड्स की हेल्थ देखी। देखिए मेल फीमेल जब तक कंफर्म नहीं होगा तो क्रॉसिंग नहीं होगी, मैटिंग नहीं होगी, ब्रीड नहीं होगी। तो मेल फीमेल कंफर्म करें, उसकी पहचान नहीं है तो कमेंट करें। और बर्ड आपका हेल्दी होना चाहिए, देखिए बर्ड के अंदर कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, आपका बर्ड बीमार है, उसके फैदर पूरे नहीं हैं, पंजे टेढ़े हैं, चोंच बढ़ी हुई है, नाखून बढ़े हुए हैं, कुछ ना कुछ कमी है जिसकी वजह से बर्ड के अंदर कमी होने की वजह से वो ब्रीड नहीं करता है, तो आप पहले बर्ड्स की हेल्थ कंफर्म करें। ये गलती अपनी सुधार करें कि आपको कलर देखकर बर्ड्स कभी भी नहीं देखने हैं, आपको हेल्दी बर्ड लेने हैं और मेल फीमेल कंफर्म करके ही लगाना चाहिए। अब दोस्तों चौथा रीज़न जो होता है बर्ड्स के मैटिंग न करने का, उसके पीछे ये वजूहत होती है, वो बहुत बड़ी मिस्टेक है, वो ये होती है कि बर्ड्स को प्राइवेसी नहीं मिलती है। देखिए शुरुआत में हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं और एक्साइटमेंट में हम लोग ये करते हैं कि बर्ड्स के पास ज़्यादा आना जाना करते हैं, बर्ड्स को पकड़कर चेक करते हैं, मटकियों में बार बार मोबाइल लगाकर या मटकियों में टॉर्च से झांक कर देखते हैं कि अंडा आया या नहीं। देखिए इस तरह से नहीं करना है, बर्ड को प्राइवेसी मिलती है तभी वो ब्रीड करते हैं। देखिए प्राइवेसी मिलना ज़रूरी होती है, बर्ड्स जब दूसरी जगह आते हैं आपके घर पर सेट होने में टाइम लेते हैं और उसके अलावा उनको ब्रीडिंग का एक माहौल चाहिए, उन्हें ये लगना चाहिए कि आसपास में जो लोग हैं वो हमारे अंडों को तोड़ेंगे नहीं, हमारे बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, तभी जो है फीमेल और मेल जो है ब्रीड करते हैं। तो आपको उनको ये दिखाना है कि उन्हें आपको कोई ख़तरा नहीं है, तो उसके लिए आपको करना यही होगा कि आपको प्राइवेसी देनी होगी, बर्ड्स के पास कम आना जाना होगा। अब दोस्तों एक लास्ट रीज़न ये होता है जो बहुत ज़्यादा कॉमन मिस्टेक है, वो भी हम लोग काफ़ी बार बार दोहराते रहते हैं, वो ये होती है कि केज की जगह बार बार चेंज करते हैं हम लोग। देखिए काफ़ी भाई जो है ये भी कहते हैं कि हमारे यहाँ तो हम केज जो है चेंज करते हैं फिर भी हमारे यहाँ पर ब्रीड हो रही है। तो देखिए उसके पीछे रीज़न ये होता है कि पहले आपके बर्ड ब्रीड कर चुके हैं, उसके बाद आप कुछ भी करते रहें, बर्ड आपके यहाँ पर सेट हो चुके हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। लेकिन जब फर्स्ट ब्रीड होती है तो केज की जगह बिल्कुल भी चेंज नहीं करनी चाहिए। देखिए केज की जगह चेंज करने से बर्ड्स को बिल्कुल अचानक ये लगने लगता है कि माहौल बदल गया, हम नई जगह पर आ गए, तो बर्ड्स जो हैं डरे डरे रहते हैं और बिल्कुल ब्रीड करना नहीं चाहते हैं। तो ज़्यादातर भाई ये लोग करते हैं किसी ना किसी रीज़न की वजह से केज की जगह को मूव करते रहते हैं, कोई भी रीज़न हो सकता है, धूप नहीं आ रही, सर्दी हो रही है, बरसात आ रही है या कोई भी डेकोरेशन हो रहा है घर पे। तो केज की जगह आपको एक डिसाइड करके फिक्स कर देनी है, उसी जगह पर केज रखा रहेगा तो आपके बर्ड ज़रूर ब्रीड करेंगे। तो ये कुछ रीज़न्स होते हैं जिसकी वजह से हमारे बजीज पैरट मैटिंग नहीं करते हैं। तो इन सब प्रॉब्लम्स जो आपके सामने आ रही है ये, तो इन सब जो आपने मिस्टेक कर रहे हैं उसको आप सुधारें, बहुत जल्दी देखिएगा कि आपके यहाँ पर इंशाल्लाह मैटिंग भी स्टार्ट होगी और ब्रीड भी होगी। तो ठीक है दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो अच्छी लगती तो लाइक शेयर करें, चैनल को करें सब्सक्राइब। ओके गुड बाय।